पाठ का शीर्षक है दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन
आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। दोस्त की